हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शरीर पे कोई घाव नहीं है, कोई चाकू नहीं मारा गया है, मगर सर जब ये आदमी इस घर में रहता ही नहीं है तो ये यहां पे आके कैसे मर गया? जो लोग इस घर में रहते हैं उनसे ये बात पूछो। आप इस मरे हुए आदमी को जानते हैं ना? जी नहीं। नहीं? आप ये भी नहीं जानते कि ये आदमी अंदर आया कैसे? नहीं। घर की सब खिड़कियों पे तो ग्रिल लगी हुई है, तो ये खिड़की से तो आया नहीं है ना? और दरवाजा, दरवाजा भी ठीक ठाक है, टूटा हुआ नहीं, तो फिर ये आदमी आपके घर में आया कैसे? सर हम बिल्कुल नहीं जानते। रघुराज जी, ये मरा हुआ आदमी कोई आसमान से नहीं टपका आपके घर में, कहीं से तो अंदर आया होगा। सर पता नहीं वो अंदर कैसे घुस गया, हम लोग तो सो रहे थे। ये लोग सो रहे थे, मान लिया आप लोग सो रहे थे, उस वक्त घर में दूसरा कोई नहीं था? नहीं सर। तो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि आदमी अंदर कब आया और कब मर गया? नहीं सर, बिल्कुल पता नहीं चला। आइए। नहीं, मुझे नहीं होगा। प्लीज आइए, देखिए आप। प्लीज आइए, पहचानने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं? नहीं। तो फिर इतने जोर से चिल्लाए क्यों? मैं जिंदगी में पहली बार लाश देख रही हूं। पहली बार देख रही है? हमने ये घर नहीं लिया होता तो अच्छा था। कब से रह रहे हैं आप लोग यहां पे? एक महीने से। सिर्फ एक महीने से? जी हाँ, हमें यहां रहते हुए एक ही महीना हुआ है। एक ही महीना? फ्रेडिक्स। यस सर। तुम दरवाजे के ऊपर से उंगलियों को निशान उठाने की कोशिश करो। यस सर। पता तो चलेगा किस किस के हाथ लगे हुए दरवाजे पर। सुधाकर। सर। तुम इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स ले लो। हमारे प्रिंट्स? हाँ, और इसके, इसके भी ले लो फिंगरप्रिंट्स। मेरे क्यों? चलिए ले जाओ, ले जाओ। सर दया, तुम एक मरे हुए आदमी का एक पोलोराइड फोटो खींचो और यहां नीचे ऊपर रहने वाले सब पड़ोसियों को दिखाओ। किसी ने तो देखा होगा इसे, है ना? यस सर। कम से कम मालूम तो चलना चाहिए कि ये आदमी है कौन। लाश संभाल कर लेके जाओ। आप लोगों ने कुछ आवाज सुनी कल रात को? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। आपने? नहीं, मैंने भी कुछ नहीं सुना। और आपने? मैंने भी नहीं सुना। कुछ आवाज आती तो हम जरूर नीचे जाके देखते कि क्या हुआ है। आप लोगों ने इस आदमी को पहले कभी देखा? यहाँ नहीं, नहीं मैंने भी नहीं देखा। ये आदमी रघुराज के फ्लैट के अंदर घुस के मर जाता है और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग ने कुछ नहीं सुना। जब कुछ नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, और क्या कह सकते हैं। वैसे भी खून कोई आदमी करता तो आवाज आती भी, भूत ने किया हो तो कैसे आएगी आवाज। जी हाँ, भूतों की बात है। आप लोग भी जल्दी से फ्लैट से बाहर निकल जाइए, क्योंकि इसमें एक भूत है। आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा कुत्ता जब भी उस फ्लैट के सामने से निकलता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, अचानक पागल हो जाता है, भौंकने लगता है, कभी कभी तो डर जाता है, और जैसे आगे जाता है तो फिर ठीक हो जाता है। बस यही ना? बस यही ना मतलब? आपको मालूम है जब किसी कुत्ते के साथ ऐसा होता है तो क्या होता है? नहीं। कुत्ते को भूत का एहसास हो जाता है, समझे? देखा आपने? आपको यहाँ कुछ है? आपको अंदर ले चलो। Hey, it counts. Check
जाइए वहां जाइए। आप ले जाइए ना प्लीज। चलिए देखिए सर, देखिए यहां पर ये शांत हो गया। उस कमरे में एक लाश थी, शायद उसकी स्मेल से ये डिस्टर्ब हो गया और इसके लिए बौखला गया। ये सर पहले भी हो चुका है, मैंने रघुराज को बताया था कि भाई तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है, भूत भूत है, पर ये लोग हंसने लगे मुझ पर। अब हुआ क्या, एक लाश निकली ना इस घर से। सर इस आदमी की मौत करंट लगने से हुई है। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक। यस सर, ये देखिए इसकी उंगली आगे से जली हुई है, ये किसी बिजली के तार से चिपक गई होगी। पूरे शरीर में खून जम सा गया है जिसकी वजह से इसका हार्ट फेल हो गया था। इसकी मौत कब हुई होगी? ये रात को करीब 2:30, 2:45, 2:30-3 के बीच में। बड़ा अजीब वक्त है करंट लगने का। सर ये आदमी घर के अंदर मरा है और दरवाजे के ऊपर तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी ने दरवाजा खोलकर इसे अंदर आने दिया, उसके बाद में कुछ हुआ है। बाद में किसी ने इसके हाथ में तार बांधे और इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया। चलो घर में जाके वो तार। सुधाकर कुछ मिला? नहीं सर। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अगर आप हमें बताएंगे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोग सच बोलेंगे यही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। वो मर्डर वेपन कहाँ है? मर्डर वेपन? हाँ, वो तार, वो वायर जिससे उस आदमी की मौत हुई है। शायद उसका हाथ इस सॉकेट में लग गया होगा जिससे वो मर गया होगा। सॉकेट में लग गया होगा? इससे अच्छा मजाक और क्या हो सकता है। प्रेडिक्ट, सॉकेट में हाथ लगा के देखो। मैं सर? हाँ मैं मर जाऊंगा सर। फ्रेडरिक सॉकेट में हाथ लगाओ। सर मुझे शॉक लगेगा। कम से कम ये तो पता चलेगा कि मौत उस सॉकेट की वजह से हुई है। करंट है? नहीं सर, ये मैं नहीं करूंगा। मैं अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता सर। सर एक मिनट, समय लगा के देखता। क्या हुआ, क्या पता चला? सर दरवाजे पर सब मिला के 5 लोगों के उंगलियों के निशान है। एक रघुराज के, दूसरे उसकी पत्नी के और तीसरे मेड के। और चौथे, चौथे पांचवें किसके हैं? चौथे निशान सर मरने वाले की उंगलियों के हैं। मरने वाले की उंगलियों के हैं? यस सर। उसके निशान हैं? यस सर। इसका मतलब है कि वो आदमी इस दरवाजे से होकर ही अंदर आया है। उसने किसी तरीके से यह ताला खोल लिया होगा। कोई चाबी मिली उसके कपड़ों में से? नहीं सर। ओके। और पांचवें निशान किसके हैं? सर ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन निशान है जरूर सर, यहाँ पे ताले के ऊपर। ताले के ऊपर? ये पता नहीं चल रहा है किसका है। इसका मतलब है उस आदमी के साथ कोई और भी था जिसने उसे ताला खोलने में मदद की है, और शायद चाबी उसी के पास होगी। घर में भी नहीं मिली ना कोई चाबी? नहीं सर। रघुराज तुमने घर की डुप्लीकेट चाबी किसी और को दी है, किसी यार दोस्त को? नहीं सर, हमने किसी को चाबी नहीं दी है। तो फिर वो आदमी अंदर घुसा कैसे? दरवाजा टूटा हुआ नहीं है, दरवाजे का ताला टूटा हुआ नहीं है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, उस आदमी ने किसी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और वो अंदर आया। मगर सर। मगर क्या? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ बताइए, आप कुछ कहना चाहती है? सर वो ऐसे। हाँ, बताइए प्लीज। क्या हुआ? आई एम सॉरी सर, हमें याद नहीं रहा सर। दरअसल क्या, ये हमें कैसे याद नहीं रहा?
कैसे हो सकता है? अब सब कुछ साफ हो जाएगा, यही बुलाइए उसे जल्दी से। कैसे? मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी लेके घर में घुसी है। ये बात हमारे दिमाग में कैसे नहीं आई? मुझे इस सब में मत फंसाइए साहब। तुमने घर की चाबी किसी और को दी है रात को? कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? आप इनसे पूछिए आज तक घर की एक चीज भी गायब हुई हो तो। साहब ये बहुत अच्छी है। देखो सच बोलोगी तो तुम भी बच जाओगी और हमारा भी टेंशन कम हो जाएगा। मैं सच्ची तो कह रही हूँ। तुम उस मरे हुए आदमी को जानती हो? मैं कैसे जान सकती हूँ? जानती हो कि नहीं? अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं आज आती ही क्यों? सब देखिए प्लीज आप इसे तंग मत कीजिए। ये तू अंदर जा। मैं अब आपके यहाँ काम नहीं करूंगी मैम साहब। अभिजीत दया, इस मरे हुए आदमी के फोटोग्राफ लेके आसपास की मार्केट में जाओ और आसपास जितने भी चाबी बनाने वाले हैं उन सबको ये फोटोग्राफ दिखाओ और पूछो कि भाई किसी ने इस आदमी को कोई चाबी बना के दी है क्या? इस आदमी को जरूर किसी ने मदद की है। दुकान तुम्हारी है? हाँ। क्यों? यहाँ आसपास कोई दूसरा चाबी बनाने वाला तो नहीं है ना? नहीं, इस एरिया में तो सिर्फ नहीं हूँ। और बच्चू भाई से अच्छी चाबी कोई नहीं बना सकता। अच्छा बच्चू भाई, जरा ये फोटो देखिए। तो मरा हुआ आदमी मरे हुए आदमी का फोटो कौन है साहब? ये था एक आदमी। आप कौन? हम लोग CID से हैं। मैं सब कहता हूँ मैं बच्चू भाई नहीं हूँ और ये दुकान भी मेरी नहीं है सर। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? सर मैं भी एक चाबी बनाने वाला हूँ, बच्चू भाई से मिलने के लिए आया था। जब देखा कि वो यहाँ नहीं है तो मैंने सोचा कि उसके नाम पर 2000 रुपये मैं भी कमा लेता हूँ। सच बोल रहा है? खून का मामला फंस जाएगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब, मैं बच्चू भाई नहीं हूँ सर। बच्चू भाई कहाँ रहता है मालूम है? खान वाली चाल साहब, खान वाली चाल। यहाँ घर पे आने की क्या जरूरत है? कल दुकान पे आना, वहीं चाबी बना दूंगा। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, चाबी मत बनाओ मगर कम से कम ताला तो देख लो। देखो जरा इस ताले की चाबी बना सकते हो या नहीं। क्यों इम्तिहान ले रहे हो मेरा? बच्चू भाई नाम है मेरा, बच्चू भाई, किसी भी ताले की चाबी बना सकता हूँ। मगर ये ताला जरा नया है। ये कौन सा ताला है? हाँ बच्चू भाई, कल रात को तीन बिल्डिंग में गए थे क्या? हैं? तीन बिल्डिंग? बच्चू भाई जिस आदमी को तुमने घर के अंदर घुसने में मदद की है वो आदमी घर के अंदर जाके मर गया है, समझे? घर में जाके मर गया? मुझे बचाना साहब, आप कभी ऐसा नहीं करोगे साहब, आप कभी ऐसा नहीं करोगे साहब, मुझे बचाना साहब, मुझे बचाना, मुझे बचाना साहब, मुझे बचाना साहब। मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो घर के अंदर भी नहीं गया था साहब, मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो। मतलब तुम उसके साथ थे ना? हाँ साहब। अब पता चलेगा क्या हुआ है बच्चू भाई, अब पता चलेगा। अब जल्दी से जल्दी गूगल दो सारी कहानी। वो आदमी कहने लगा मुझे इस घर के अंदर जाना है। फिर साहब मेरे साथ मेरे पास एक मास्टर की है साहब, ये जर्मनी की बनी हुई है, इससे कोई भी ताला खुल जाता है साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब हम चुपके चुपके वहां पहुंचे और दरवाजा खोलने के बाद मैं तो वापस भाग के नीचे आ गया साहब और 2 घंटे वही इंतजार करता रहा, लेकिन वो आदमी आया ही नहीं साहब। ताला तुमने खोला था? हाँ साहब। फिर से ऐसा नहीं करूंगा। क्या कर रहा हूँ? फिर से ऐसा नहीं करूंगा, फिर से नहीं करूंगा। तुमने चाबी उसे क्यों नहीं दी, खुद क्यों गया साहब? एक तो मालूम नहीं था कि वो आदमी कौन है
और अगर वो ये चाबी लेके गायब हो जाता तो मुझे 5 लाख रुपए कौन देता साहब? 5 लाख रुपए? हाँ साहब, उसने मुझसे कहा तू मुझे दरवाजा खोल के दे, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, अंदर खजाना है। खजाना है? हाँ साहब, बोला पूरे 2 करोड़ का खजाना है। पुलिस डॉग को बुलाओ। कबर्ड तो हम देख चुके हैं ना? यस सर, इसमें कुछ पुराने पेपर्स हैं और ये कंबल वगैरह है। खाली करो। कुछ खास नहीं है सर, ये कबर्ड हटा के देखते हैं। हटाओ कबर्ड, हटाओ। माय गॉड, दीवार में से तार निकला हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर। आशा जरा टेस्टर देना। तार में करंट है तो इससे मरा वो आदमी? सर, वो आदमी इस कबर्ड के नीचे हाथ डाल के देख रहा होगा, उसका हाथ इस तार से लग गया और मर गया। रघुराज, ये वायर ऐसे बाहर क्यों छोड़ा हुआ है? वायर? कौन सी वायर? ये वायर, ये बाहर क्यों छोड़ा? हाथ मत लगाओ, मर जाएगा, इसमें करंट है। यहाँ पे कोई सॉकेट बनाने वाले थे। जी नहीं, ये वायर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसे, जब आपने घर लिया तो ये वायर बाहर लटकता हुआ दिखाई नहीं दिया? नहीं, ये वायर तो कबर्ड के पीछे था और ये कबर्ड यहाँ पे थी। ये कबर्ड आपकी नहीं है? जी नहीं, ये कबर्ड पहले से यहाँ पर रखे थे। सुधाकर सर, मेन स्विच बंद करो, करंट ऑफ करो। ओके सर। चलिए, आप लोग जरा वहां पे जाके खड़े हो जाइए। चलिए, लाइट ऑफ हो गई। डैम, ये वायर खींचो। फ्रेडिक्स, तो फाटो। अदै, खींचो। और करो दे। काफी लंबी तार था। समझ गए। यहाँ कुछ गड़बड़ है सर, ये दीवार बाद में बनाई गई है। हाँ सर, इस दीवार में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, पुलिस डॉग को बुलाओ। यस सर। बल कर, डॉग को लेके आओ। दीवार में ही कुछ है सर, दीवार में कुछ है, दीवार तोड़ देते हैं सर। निम्बल कर, थैंक यू वेरी मच, डॉक को लेके जाओ। बेटे सुधाकर, हैमर लेके आओ। ये देखिए, यहां गड़बड़ है। सर, टॉर्च देना तो। जी सर। दीवार के अंदर एक लाश पड़ी हुई है सर, पूरी बॉडी है, निकोल बॉडी बाहर। समझ गए।
निकल आहिस्ता आहिस्ता संभल के आहिस्ता निकालना आहिस्ता निकालना नहीं तो सब हड्डी हाथ में आ जाएगी संभल के कहीं वो आदमी ये स्केलेटन ढूंढने तो नहीं आया था मगर सर वो तो खजाने की बात कर रहा था 2 करोड़ का क्या पता इन हड्डियों में कोई खजाना हो सर ये बॉडी एक लड़की की है इसकी उम्र 16 और 24 साल के बीच में रही होगी डॉक्टर वागले क्या आप बता सकती हैं कि इसकी मौत कब हुई है यस सर इसकी मौत कुछ 10 महीने पहले हुई है और क्योंकि इसकी बॉडी एक दीवार के अंदर से मिली है तो जाहिर है इसकी मौत एक नेचुरल मौत नहीं है ये देखिए इसकी गर्दन को ध्यान से देखिए यहाँ एक निशान मिला है इसकी हड्डी पर शायद एक वायर से इसका गला घोंटा गया है ये एक खून है इसके शरीर पर जो कपड़े हैं इस पे कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे पता चल सके कि ये कौन है नहीं सर ऐसे कोई निशान नहीं है मगर एक ऐसी चीज देखी है मैंने इसके शरीर में जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी है वो क्या देखिए ये एक्सरे लिया है मैंने इसकी बॉडी का और ये देखिए क्या निकला है इसकी पेट की स्किन जो चिपकी हुई है उसके अंदर 8 राउंड बॉल्स हैं। पेट के अंदर बॉल्स पहुंचे कैसे शायद खा ली होंगी ये देखिए ये है वो बॉल्स वैक्स की बनी हुई है मगर इसने ये बॉल्स खाई क्यों होंगी क्या मालूम लेकिन लगता है कि इनके अंदर कुछ है काट के देखो बॉल के अंदर हीरा ये है वो 2 करोड़ का खजाना सर सर जिस आदमी ने रघुराज को ये घर बेचा है उसको पकड़ना चाहिए इसने बेचा है वो फ्लैट रघुराज को अगर इसे खबर मिल गई होगी कि लाश मिल गई है तब तक तो ये कहीं भाग गया होगा लगता है बॉस चिड़िया उड़ गई है दरवाजा तोड़ दो ज्यादा देर करना ठीक नहीं है Yes. हम लोग CID से इन दिवस साहब हैं घर में जी नहीं वो तो दिल्ली गए हैं दिल्ली गए हुए आप जरा उनका फोन नंबर दीजिए हमें मेरे पास नहीं है आपके पति का फोन नंबर आपके पास नहीं है हैं मालूम है आपके पुराने घर में क्या हुआ है नहीं आपके पति ने बताया नहीं नहीं वहां पे एक लड़की की लाश मिली है दीवार में से ओह माय गॉड जी हां भगवान को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से अब वही मदद कर सकता है आपकी मैडम कहीं आपके पति अंदर छुपे हुए तो नहीं है आशा सर जरा अंदर जाके चेक करो नहीं नहीं मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी क्यों ऐसी किसी के घर में घुसना ठीक नहीं है नहीं नहीं आप तो देख के ही छोड़ेंगे आशा तुम जाओ नहीं प्लीज आप अंदर नहीं जाओ आई सेड नो नो नहीं प्लीज डोंट नो नहीं प्लीज एक और सूटकेस अंदर रखा है मैडम सामान पैक कर रही हैं कहीं बाहर जाने की तैयारी है सर अगर हम लोग अभी ना आते तो मैडम तो उड़ जाती नाइट गाउन के नीचे साड़ी पहन रखी है ये देखिए देखिए मैडम अभी वक्त है बता दीजिए आपके पति कहाँ हैं 1 घंटे पहले उनका फोन आया था कि जल्दी से सामान बांध ले हम लोग बाहर जा रहे हैं वो हैं कहाँ ऑफिस में गए हैं कुछ जरूरी फाइल्स लेने छोटी पड़ गई अब रात को रस्सी कहां से लाऊंगा मैं ये लो थैंक्स इतनी
आधी रात को मेरे ऑफिस में लड़की। कौन हो तुम? आशा। तुम यहाँ कैसे घुसी? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ दो और भी हैं। हम लोग सीआईडी से हैं इंदिवर जी। आपने जो फ्लैट रघुराज को बेचा है उसकी दीवार में से एक लड़की की लाश मिली, एक स्केलेटन। स्केलेटन? सर, मैं किसी स्केलेटन के बारे में नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो फिर भाग क्यों रहे थे? अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताता हूं। अच्छा बताओ। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। किसी गर्लफ्रेंड से बच के तो नहीं भाग रहे? कैसी बातें कर रहे हैं आपसे? अगर मेरी वाइफ ने सुन लिया तो पहले ही बहुत फंसा हुआ हूं। तो फिर भाग क्यों रहे थे? सर मुझे अंदर से खबर मिली है कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए भाग जाऊं और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। उस लड़की को क्यों मारा तुमने? अरे फिर वही बात। कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं आप लोग? वही जो दीवार के अंदर से मिली है, वो जिसे तुमने दीवार के अंदर दफन कर दिया था। मैंने किसको दफन नहीं किया सर? अरे मैं तो वहां रहता भी नहीं हूं। तो वो घर तो मैंने किराए पे दिया हुआ है। तो कौन रहता था वहां पे? एक लड़की रहती थी सर, काशिका। काशिका? काशिका? ये लड़की अभी कहां है? मालूम नहीं। एक दिन अचानक सर कहीं चली गई। चली गई? हाँ सर, अचानक घर छोड़ के चली गई सर। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं पुलिस को सर, क्या बताऊं अब मैं? अब मुझे क्या मालूम वो क्यों गई है, कहाँ गई है? कुछ तो सामान छोड़ के गई होगी वो। कुछ नहीं छोड़ा, घर खाली था, एक पेपर तक नहीं था। देखो हिंदू है, बहुत हो गया ड्रामा, अब काम की बात करें, चलो खड़े हो जाओ। डोंट टच मी के बच्चे, जब वो लड़की गई उसके बाद तुम अपने घर पे गए तो तुम्हें वहां नई दीवार बनी हुई दिखाई नहीं दी? क्या बताऊं सर, क्या बताऊं मैं? तुम्हें कुछ तो बताना पड़ेगा ही, अपने ही घर में नई दीवार कैसे दिखाई नहीं दी तुम्हें? उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं को रंग कराना चाहती हूँ, मैंने कहा करा लो। फिर पेंटर को बुलाया सर, और जो भी खर्चा होना था उसका एस्टिमेट उसने मुझे भेजा। कौन है वो पेंटर? मालूम नहीं। फिर मालूम नहीं? वो कोटेशन पेपर कहाँ है? वो पेपर जिसपे लिखा हुआ है कहाँ है? शायद कहीं फेंक दिया सर। शायद घर के किसी ड्रॉअर में रखा होगा। सुनो, ये बार क्या कौन है? बार क्या वो सीडी पर। बार क्या? नीचे उतरो। खून हुआ। अरे क्या कर रहा है? इतना घबरा क्यों रहा है? 10 महीने बाद पुलिस को देख के टांगे कांप रही हैं तेरी? नहीं साहब, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। इस लड़की को पहचानते हो? ये फोटो हमें इंदिवर ने दी है। हाँ साहब, ये तो कचका मैडम है साहब। थैंक गॉड, इसे पहचान तो लिया। मैंने इनके लिए काम किया साहब। काम भी किया और बाद में इन्हें दीवार में बंद भी कर दिया। तुमने पेंटिंग किया था ना फ्लैट में? हाँ साहब, लेकिन कशिका मैडम कहीं और ठहरी थी साहब। दीवार किसने बनाई? मैंने नहीं बनाई साहब, मैंने नहीं बनाई, मेरा काम तो पूरा ही नहीं हुआ साहब। एक दिन मैं उनके घर गया तो देखा वहाँ कशिका मैडम थी ही नहीं, वहाँ तो साहब कोई दूसरा ही आदमी खड़ा था। कौन था वो? मुझे नहीं मालूम साहब, मगर उसने पैसे दे दिए मुझे पूरे के पूरे और कहा आज से मत आना, तुम्हारा काम खत्म हो गया। हेलो। हेलो, हाँ जी। अबे रघुराज बोल रहा है ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात चुपचाप सुन। हाँ बोलिए बोलिए। देख,
मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ अंजलि, आखिरी बार। आप देख यार, वो 22667 पे जो टैप लगा हुआ है उस पे फोन आ रहा है, जरा देख के बता दो उसे कहाँ से आ रहा है फोन। या दूसरे तरीके से समझाऊं? जी। अबे हाँ या ना बोल, हाँ या ना। हाँ जी, मुझे मुझे मंजूर है, आप फ्लैट ले लो, लेकिन मैं जरा अपनी वाइफ से भी पूछ लेता हूँ। वाइफ का क्या चक्कर है? नहीं नहीं, आखिरी बार, बस आखिरी बार ना। हाँ हाँ, कहाँ से आ रहा है बात कर रहा है? शॉपिंग मार्केट, समझा दे। ठीक है, मेरे पास अब और ज्यादा टाइम नहीं जी। है जी, ले और निकल जा फ्लैट से। आप मुझे 10 मिनट बाद फोन कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल कंफर्म समझिए। 10 मिनट बाद ना? हाँ जी 10 मिनट बाद। गड़बड़ मत करना। ओके। हाँ सुधाकर। सर उस आदमी का फिर से फोन आया था। अच्छा सर, वो कॉलोनी शॉपिंग मार्केट से फोन कर रहा है। हाँ सर 10 मिनट बाद फिर से फोन करने वाला है। वेरी गुड सुधाकर, थैंक यू वेरी मच। उसका फोन फिर से आया है, वो कॉलोनी शॉपिंग मार्केट से फोन कर रहा है। शायद फिर से फोन करें, वहीं चलते हैं, वहीं कहीं घूम रहा होगा वो। अच्छा तुम इसको ब्यूरो में लेके आओ। सुनिए भाई साहब, अभी अभी आपके यहां से कौन फोन कर रहा था? एकदम अभी वो पीला शर्ट। सुनिए भाई साहब, क्या है? इधर आइए। अरे जाओ ना यार, मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो। अरे ए, अरे कहां भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहा है? क्या है? क्या है? फोन कर रहा था। किसको फोन? कौन सा फोन? मैं कोई फोन नहीं कर रहा था। हेलो विजय, 40 लाख चाहिए। अरे कौन हो भाई तुम? हम कौन है? हाँ तो दमक साहब बोलिए। काशिका मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, एक डायमंड मर्चेंट के यहाँ काम करती थी। हम दोनों ने उसे लूटने का प्लान बनाया सर, और प्लान कामयाब हो गया। हमने ना सर 2 करोड़ के हीरे चुराए और किसी को पता नहीं चला सर। हमने सोचा था कि हम शहर छोड़कर दूर चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा एक बहुत पुराना केस पुलिस के सामने आ गया सर। पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, तो मैंने हीरे कशिका को दे दिए। मैंने कहा कि तू इनको छुपा देना, और मैं खुद पकड़ा गया। तुमने उसे मारा क्यों? मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं तो उसे सारे में ढूंढ रहा हूँ सर। मैंने उसे जेल से फोन भी किया था सर, मैंने उसे पूछा कि हीरे कहाँ, तो उसने कहा कि सही सलामत है, घर में छुपा कर रखे सर। इसीलिए मैं वो घर खरीदना चाहता था सर। तुमने कशिका को फोन किया था? हाँ सर। हाँ कौन से नंबर पे? 9493623211 सर। कशिका के मोबाइल पर आखिरी महीने में जितने फोन आए उनकी लिस्ट मोबाइल कंपनी ने दे दी है, ये देखिए सर। मतलब मरने से पहले उसे इन नंबरों से फोन आए थे? जी हाँ सर। और सर ये एक नंबर से तो बार बार फोन आया है, 7982046767। आशा इस नंबर पे फोन करो और स्पीकर फोन ऑन करो। यस सर। 7982046767। जी मैं काशिका की सहेली बोल रही हूँ। काशिका? कौन काशिका? देखिए मैम, फिर से डायल करो। डायल किया हुआ नंबर इस वक्त स्विच्ड ऑफ है। स्विच ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद मोबाइल कंपनी को फोन करो। जी। हेलो। हाँ मैं CID से ACP प्रद्युमन बोल रहा हूँ। यह जरा आपकी मदद चाहिए। देखिए एक नंबर है 7982046667। हाँ यह नंबर अभी बंद है, मगर जैसे ही यह आदमी फोन ऑन करेगा आप हमें बताइए कि आदमी कहां है। जी हां, और एक बात, इस आदमी से हमने अभी अभी बात की थी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह आदमी कहां था जब हमने उसे फोन किया था? हाँ यस, आई विल होल्ड ऑन।
यस प्लीज प्लीज इट्स वेरी अर्जेंट. जी हाँ ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू. यप अभिजीत वो जुहू में था 10th रोड पे शायद वो वहीं कहीं रहता होगा या वहीं घूम रहा होगा. यही लगता है दया. आगे रुको. हेलो हेलो कैसे डायल करता हूं. हेलो दोनों भाई क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम. तेरा बाप बोल रहा हूं. वेटर बिल लेके आओ. वेटर जल्दी बिल लेके आ जल्दी जल्दी. हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं. इसको मैं यहाँ पे बैठा हूँ. कहीं और जाके बैठो ना तुम. हमें तो यहीं बैठ. अबे अंधे हो क्या है. काशिका का खून क्यों. काशिका कौन काशिका. मैं किसी काशिका उशिका को नहीं जानता. दिमाग खराब है क्या तुम्हारा. मैं उस चोर दीमक को जानता था. मुझे मालूम था कि उसने और कशकर दोनों ने मिलकर 2 करोड़ के हीरे चुराए हैं. और साहब दीमक जब जेल चला गया तो मैं उस लड़की के पीछे पड़ गया. मैंने उससे बहुत पूछा कि हीरे कहाँ है लेकिन उसने बताया नहीं सर. तो मैंने उसे मार दिया. सारे घर में ढूंढा लेकिन हीरे नहीं मिले. तुम्हें मालूम है काशिका ने हीरे कहाँ छुपा के रखे थे. नहीं. पेट में. पेट में. हीरों के लालच में अगर वो आदमी वहां घर में आके नहीं मरता तो तुम पकड़े नहीं जाते. मुर्दा कभी चुप नहीं बैठता है. वो बोलता है और तुम जैसे लोगों को फंसा देता है. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.